अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ फ़िश के गोला कबाब विद मसाला। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी गोल गोल। फिर मैंने एक ये ली है, आपके पास अगर ये नहीं है तो आप कोई सी भी चम्मच से या बारबेक्यू स्टिक्स आती हैं उससे भी आप कर सकते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया, पैन रख दिया, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं एक एक करके ये फ़िश गोला कबाब इसको फ्राई करूँगी। इसको डीप फ्राई नहीं करना। अब मैं इनकी ये साइड चेंज कर दूँगी। झट पर तैयार होने वाली रेसिपी है, तो मेहमान आए आपने ये फ्राई करके रखे हों, 5-10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। फ्राई हो गए, इनको मैंने निकाल लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस मैं शुरू करती हूँ। अब वही ऑयल लिया है जो मैंने फ्राई किया है उनको। अब मैं थोड़ा सा इसमें 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम मैं ज़ीरा शामिल किया है, और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ अदरक। इसको हल्का सा मैं कलर चेंज करूँगी, ब्राउन नहीं करना। अभी मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको इस तरह इस शेप में काटा है। अब मैं थोड़ी सी सुरख मिर्च, वो इसलिए थोड़ी डालूँगी कि जो मैंने ऑलरेडी मसाला तैयार करके रखा हुआ है उसमें भी मिर्चें हैं। थोड़ा सा नमक हंसते ज़रूरत, और हल्दी कलर के लिए मैं 2-3 कतरे पानी शामिल करूँगी। बहुत मज़े की डिश बनेगी और बहुत जल्दी बनने वाली है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह हल्का हल्का इनको मैश करें। और ये मसाला मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था, ये 4 से 5 टेबल स्पून होगा। इसको शामिल कर दिए। अब मैं ऊपर इसके ढक्कन दे दूँगी ताकि ये भी पिघल जाए, और ये उसके पानी से जो बर्फ़ जमी हुई है उससे टमाटर भी अच्छी तरह गल जाए। इस मसाले में लहसुन, प्याज, टमाटर, ये तमाम चीज़ें इसको मैंने गला के थोड़ा सा नमक में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। सर्दियों में अगर गैस ना हो तो ये सबसे इजी वे है। मसाला जो अच्छी तरह पिघल गया, अब इसको मैं हल्का सा भूनूंगी ताकि तमाम मसाला जो मिक्स हो जाए। इसमें 1/2 टीस्पून कढ़ाई गोश्त का मसाला डालूँगी, ये जायके के लिए है, ऑप्शनल है, डालेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मसाला अच्छी तरह भून गया, इसमें ऑयल छोड़ दिया। अब जो मैंने फ्राई किए हैं गोला को वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो इसको हल्के हाथ से इसको मिक्स करूँगी मसाले में ताकि ये टूट ना जाए। ये ऑलरेडी फ्राई हैं, 1 मिनट के लिए ऊपर मैं दम पे रखूँगी। ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं हरी मिर्चें ऊपर डालूँगी, धनिया थोड़ा सा, और मज़ेदार क्विक फ़िश गोला कबाब मसाला तैयार है। फ़िश गोला कबाब मसाला तैयार है।